नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स जो है उसने जो है आधार और पैन को एक साथ जो है लिंक करने का जो प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको जो है हम SMS से भी जो है लिंक कर सकते हैं। पहले तो ई फिलिंग की वेबसाइट, जो इनकम टैक्स की ई फिलिंग की वेबसाइट था, उस पर लिंक आया था जिसके आधार पे हम वहाँ पे जाके जो है इसको लिंक कर सकते थे। अब सिंपली एक SMS के द्वारा भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको SMS कैसे करना है अपना आधार और पैन को लिंक करने के लिए, तो आपको SMS भेजना है। भेजने का नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 567678। एक तो ये है 567678 और दूसरा है 56161। ये दो जो नंबर हैं इन पे आपको SMS भेजना है। अब क्या SMS भेजना है, कैसे भेजना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, SMS भेजने के लिए आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में UIDPAN, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद जो है 12 डिजिट का अपना जो है आधार नंबर डालना है, और उसके बाद जो है एक बार फिर आपको स्पेस दे के अपना 10 अंकों का जो है पैन नंबर डालना है। इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपको ये करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस पे जो है कैसे UIDPAN, उसके बाद जो है 12 नंबर का आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे डाला गया है, और उसके बाद जो है फिर से आपको एक स्पेस देना है, और उस स्पेस के बाद जो है अपना पैन नंबर टाइप करना है। जैसे कि ऊपर भी आपको इसमें बताया गया है, मैं इसको ज़रा सा ऊपर स्लाइड कर दूं तो आप इसको इजीली जो है, ये है दोस्तों UIDPAN, ये टाइप करना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद जो है 10 डिजिट का अपना पैन नंबर डालना है। तो दोस्तों, इस तरह आप बिना इंटरनेट के भी आधार और पैन को आपस में लिंक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह के अन्य नॉलेज, लर्निंग, CSC और अदीज की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।